गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम विनय मिश्रा फ्रॉम सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखनपुर जौनपुर। मेरे प्यारे बच्चों, यह वीडियो आज क्लास टेंथ के लिए है। इसमें मैं आत्मकथ जयशंकर प्रसाद गुप्त की रचना के बारे में विगत पिछले वीडियो से आपको एक्सप्लेनेशन बताता चला रहा हूँ। उसी के आगे क्रम में आज शेष बची हुई कविता का अर्थ मैं आपको इस वीडियो से बताऊँगा, जो इस प्रकार है। भूले अपनी या प्रपंचना औरों की दिखलाऊं मैं, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। अरे खिल खिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। कभी कहता है कि जो मेरे जीवन में सुख के दिन थे, जो मेरे जीवन में चांदनी रात के समान थी, आज मैं इस दुख भरे पलों में उन सुख के क्षणों को कैसे याद करूं और कैसे तुम लोगों के सामने उसका वर्णन करूं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काकर जो भाग गया। ऐसा सुख जिसकी मैं कल्पना करता रहता था, आज मेरे साथ वो आँख में चूली का काम कर रहा है। जैसे लगता है कि मेरे अंक में, मेरे बाजुओं में आते आते वो मुस्कुराते हुए एक मीठी सी उदासी दे करके मुझसे बहुत दूर चला जाता है। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, अपनी परम प्रेयसी अर्धांगनी अर्थात पत्नी के देहांत हो जाने पर कवि अत्यंत दुखी है। कहता है कि उसके मुस्कान भरे मादकता से मेरा जीवन सौंदर्य और प्रेम से परिपूर्ण था, लेकिन आज वह मेरा साथ छोड़ गई है, इसलिए मेरे मन में उदासी है, मेरा मन दुख से परिपूर्ण है। अनुरागनी उसकी स्मृत पाथेह बनी है, थके पतिक की पंथा की, सीवन की उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। उन मधुर स्मृतियों को सजो करके मैं इन दुख के क्षणों में थोड़ा से सुखी हो जाता हूँ। यदि मेरे उस जीवन के कथाओं को आप उधेड़ना चाहोगे तो ठीक एक एक दुख की परत ही आपके सामने केवल आएगी, जो मुझे और आप दोनों लोगों को दुखी करेगी। इसलिए मैं उन मधुर स्मृतियों के बारे में केवल सोचता हूँ, उन दुखद स्मृतियों के बारे में पाठक के सामने प्रस्तुत करना नहीं चाहता। आगे कहता है, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएँ आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कवि कहता है कि मेरा जीवन यद्यपि छोटा है, लेकिन मनुष्य के जीवन में अनंत घटनाएं होती रहती हैं, कभी सुख की, कभी दुख की, कभी लाभ की, कभी हानि की, कभी मान की, कभी अपमान की। ये सारी घटनाएं निरंतर प्रातःकालीन से लेकर के संध्या रात तक और जीवन पर्यंत चलती रहती हैं। कवि कहता है कि मैं इस छोटे से जीवन में उस अनंत कथाओं को आपके सामने कैसे वर्णन करूं, कैसे बताऊं। अच्छा ये होता कि मैं अपनी इन कथाओं को आपके सामने व्यक्त न करता, मौन रहता, लोगों की केवल बातों को सुनता। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भूली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कभी कहता है कि मेरे मन में जो दुख है, मेरे मन में जो अप्रसन्नता है, मैं उसे आपके सामने व्यक्त नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि आप लोग उसे सुन करके केवल उपहास उड़ाएंगे। धन्यवाद।